हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्काई फोटो एडिटिंग चैनल। इस चैनल पे जो मैं इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग एंड शॉर्ट ट्यूटोरियल लाते रहता हूँ, तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम रील्स पे देखी होगा, कुछ इस टाइप से इंस्टाग्राम स्टोरी एड्स के जो वीडियोस रहते हैं बहुत ही फास्ट चलते हैं, जो हमें समझ नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम 3 क्रिएटिव एड्स बताने जा रहा हूँ। वीडियो में जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को जो लास्ट तक देखना एंड वीडियो को बिना टाइम पास करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1 Go! So friends, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एंड यहाँ से जो मैं अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ एंड एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद इस फोटो को जो मैं ऐड कर लेता हूँ अपने स्टोरी पर एंड कुछ इस टाइप से ऐड हो जाने के बाद फ्रेंड्स इसे जो हल्का सा छोटा कर देंगे एंड छोटा करने के बाद इस फोटो को जो साइड में रखेंगे एंड ये हो जाने के बाद स्क्रीन पर टैप कर देना है। स्क्रीन पर एक बार टैप करेंगे एंड यहां से टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहां से आपको जो ये सिंबल्स डॉट को जो क्लिक कर लेना है, डॉट को जो स्पेस देते रहना है इस टाइप से एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स इसे जो है कॉपी कर लेना है कुछ इस टाइप से। इसे जो मैं कॉपी कर लेता हूं इस टाइप से एंड यहां से जो डन कर देना है एंड इसे जो कुछ इस टाइप से फिट कर देते हैं यहां पास। इसे जो इधर साइड में कुछ रोटेट कर देते हैं एंड यहाँ पास कुछ इस टाइप से फिट करेंगे एंड ये हो जाने के बाद फिर से जो स्क्रीन पर टैप करना है एंड जो आप कॉपी किए थे उसे फिर से जो पेस्ट कर देना है एंड यहाँ से डन करना है एंड इसे जो कुछ इस टाइप से इधर साइड में जो फिट करेंगे इस टाइप से एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स फिर से जो स्क्रीन पर टैप करना है एंड यहाँ से जो कॉपी किए थे उसे फिर से जो पेस्ट मार लेना है एंड इसे जो कुछ इस टाइप से पेस्ट मारना है एंड फिर से जो स्क्रीन पर टैप करना है ये प्रोसेस है। नीचे जो हल्का सा जूम कर देंगे एंड नीचे की ओर फिट कर देना है, साइड में रखेंगे इस टाइप से एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स अपने फोटो को जो हल्का सा जो जूम कर लेना है एंड ऊपर की ओर इस टाइप से फिट कर देना है कुछ इस टाइप से एंड इस टाइप से हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रश वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे एक बार क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से जो ब्लैक वाले कलर को ले लेना है इस टाइप से एंड यहाँ से जो डन कर देंगे एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से फिर से जो स्क्रीन पर टैप करना है एंड जो कॉपी किए थे उसे जो फिर से पेस्ट मार देना है एंड यहाँ से जो डन कर देते हैं एंड इसे जो जूम करके इधर जो फिट करेंगे इस साइड पर जो कुछ इस टाइप से रख देना है एंड ये हो जाने के बाद फिर से फ्रेंड्स आपको जो स्क्रीन पर टैप करना है एंड जो कॉपी किए थे उसे पेस्ट कर देना है एंड यहाँ से जो डन कर देंगे इस टाइप से एंड यहाँ पर जो इसे कुछ इस टाइप से फिट करेंगे एंड इसे जो हल्का सा इस टाइप से एंड ये हो जाने के बाद यहाँ पर स्क्रीन पर टैप करने के बाद यहाँ पर जो न्यू पोस्ट लिख देंगे न्यू पोस्ट एंड यहाँ से जो आप अपने मर्जी से फॉन्ट को जो ले सकते हो, तो मैं इस वाले फॉन्ट को ले लेता हूँ एंड इसे जो जूम कर देता हूँ कुछ इस टाइप से एंड यहाँ से जो डन कर देता हूँ एंड कुछ इस टाइप से पेस्ट मार देना है। तो आप देख सकते हैं पहला जो हमारा स्टोरी एड ऐसा तैयार हो गया है, इसे जो मैं सेव कर लेता हूँ एंड सेकेंड जो स्टोरी ऐड है उसे भी हम फोटो को जो ऐड स्टोरी कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ से जो स्टोरी ऐड कर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ से जो एक कलर को जो कोई सा भी ले लेना है, आपको जो कोई सा भी कलर रखना चाहते हो उस वाले कलर को, तो मैं इस वाले कलर को ले लेता हूँ एंड ये हो जाने के बाद स्क्रीन पर टैप करके जो रखना है इस टाइप से एंड देख सकते हैं आप एक कलर जो हमारा हो गया एंड यहाँ से जो डन कर देंगे एंड इसे कुछ इस टाइप से फिट करेंगे एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो स्क्रीन पर टैप करना है एंड यहाँ से वन डॉट करने के बाद इसे जो ऑटो बॉक्स को ओपन कर देना है एंड इसे लास्ट वाले फॉन्ट को रखना है, सॉरी लास्ट वाले नहीं इस वाले फॉन्ट को रखना है एंड इसे जो स्पेस देते रहना है इस टाइप से एंड हल्का सा जो इसे बढ़ा देते हैं एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो कलर हम ले लेंगे, तो कलर मैं इस वाले को ले लेता हूँ एंड फिर से ऑटो बॉक्स ओपन करेंगे एंड कुछ इस टाइप से जो इसे जूम कर देना है एंड यहाँ पास कुछ इस टाइप से फिट कर देना है एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स इस अपने फोटो को जो साइड में इधर जो टैप करना है फोटो को, तो ये एक बार टैप कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं फोटो जो हमारा ऊपर की ओर आ गया है एंड इस टाइप से हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पास फिर से जो स्क्रीन पर टैप करना है एंड यहाँ से जो डॉट कर लेना है एंड ऑटो बॉक्स को ओपन कर लेना है एंड स्पेस देते रहना है कुछ इस टाइप से एंड इस वाले फॉन्ट को जो हम लास्ट वाले फॉन्ट पे रखेंगे एंड इसे जो स्पेस देते रहना है इस टाइप से स्पेस एंड इसे जो इंटर स्पेस इस टाइप से दे देंगे इंटर स्पेस देकर
एंड इंटर स्पेस देकर यहाँ से जो कलर हम जो वही वाले रखेंगे जो इस टाइप इधर इस वाले कलर को रखने के बाद यहाँ से डन कर देते हैं एंड इसे जो साइड में रखते हैं फोटो जो हम टाइप करेंगे एंड फोटो को जो साइड में रखेंगे इस टाइप से छोटा करके एंड इसे जो कुछ इस टाइप से फिट कर देना है इस टाइप से एंड फोटो को जो टाइप करने के बाद यहाँ पास जो ला लेना है फोटो को इस टाइप से ला लेते हैं एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स हल्का से जो इसे जो फिट कर देंगे कुछ इस टाइप से एंड ये हो जाने के बाद यहाँ से जो आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ से जो हम कोई एक सा कलर लेते हैं चॉकलेटी कलर जो ले लेते हैं इसे जो इसे गुलाबी वाले कलर लेंगे एंड हल्का से जो इसे ब्रश बड़ा कर देना है एंड यहाँ पर जो एक बार टैप करना है इस टाइप से जो बड़ा कर देना है तो जो ब्रश को ऊपर नीचे करके हल्का से इस टाइप से फिट कर देना है एंड इसे ले ब्रश पे आ जाना है एंड यहाँ से जो व्हाइट कलर लेंगे हम एंड इसे जो छोटा कर देना है एंड इस टाइप से जो लाइटिंग डाल देना है एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो स्टिकर वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ से जो बटरफ्लाई सर्च मार लेंगे बटरफ्लाई एंड यहाँ पर जो बहुत सारे स्टिकर देखने मिल जाएंगे एंड आप देख सकते हैं इस टाइप से एंड इसे लेकर मैं ले लेता हूँ एंड यहाँ पर जो कुछ इस टाइप से फिट कर दूंगा आप देख सकते हैं एंड जो हमारा जो सेकेंड स्टोरी आइडिया भी है वो भी कंप्लीट हो गया तो मैं इसे भी जो सेव कर लेता हूँ स्टोरी आइडिया तो मैं इसे भी जो ऐड फोटो कर लेता हूँ ऐड स्टोरी एंड इसे भी कुछ इस टाइप से छोटा कर देना है एंड छोटा कर देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ से जो आप कोई से भी कलर को जो रख सकते हैं एंड रखने के बाद स्क्रीन पे टैप करके जो रखना है इस टाइप से एंड ये हो जाने के बाद यहाँ से जो डन कर देंगे एंड इसे जो कुछ इस टाइप से फिट कर देंगे इसे जो कुछ इस टाइप से छोटा सा कर देंगे एंड यहाँ से जो साइड में स्क्रीन पे टैप करना है एंड यहाँ से जो हमें एक डॉट कर लेना है एंड ऑटो बॉक्स को ओपन कर लेना है एंड यहाँ से जो स्पेस देते रहेंगे इस टाइप से जो जूम कर देते हैं इंटर स्पेस एंड ये हो जाने के बाद यहाँ से जो कलर हम कोई सा भी रख लेंगे तो मैं इसे कलर को रख लेता हूँ इस टाइप से जो फिट कर देना है कलर जो हमारा सेकेंड इसे ले को रखते हैं एंड ये हो जाने के बाद फोटो जो टाइप कर लेना है एंड फोटो जो हमारा ऊपर की ओर आ जाएगा एंड कुछ इस टाइप से फिट कर देना है एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो फिर से इसकी ब्रश वाले ऑप्शन पे आ देना है एंड यहाँ से जो एक कलर को जो ले लेते हैं इस वाले कलर को एंड इसे जो ब्रश को हम छोटा बड़ा करके जो स्क्रीन पर टाइप करते रहेंगे इस टाइप से एंड कुछ इस टाइप से जो टाइप कर देंगे इस टाइप से जो डिजाइन दे देते हैं इस टाइप से जो डिजाइन दे देते हैं एंड ये हो जाने के बाद इस वाले ब्रश पे आ जाना है इस वाले ब्रश पे एंड यहाँ से जो हम व्हाइट कलर ले लेते हैं एंड इसे भी जो लाइटिंग दे देंगे इस टाइप से कुछ इस टाइप से लाइटिंग दे देते हैं एंड इस टाइप से एंड यहाँ से जो डन कर देते हैं एंड आप देख सकते हैं हमारा जो तीसरा भी स्टोरी आइडिया तैयार हो गया एंड यहाँ जो नीचे की ओर आपको जो मेंशन एंड न्यू पोस्ट लिख लेना है तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इसे जो हम सेव कर लेते हैं तो वीडियो में बस इतना ही।